डियर स्टूडेंट आर से एजू हब बांसुर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि अपन बात चल रही थी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहलों का निर्जलीकरण, उस एल्कोहलों के निर्जलीकरण की क्रियाविधि है वो तीन पदों में संपन्न होती है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था पिछली क्लास के अंदर। तो एल्कोहलों का जो निर्जलीकरण है वो कितने पदों में संपन्न होता है, तीन पदों में। कौन कौन से पदों की बात कर ली थी, एल्कोहलों का प्रोटोनीकरण, पहला जो स्टेप था वो कौन सा था, एल्कोहलों का प्रोटोनीकरण, उसे ही बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन का निर्माण। सेकंड जो स्टेप था उसके अंदर आपने बात किया था निर्जलीकरण या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन घन आयन का निर्माण। और तीसरा जो स्टेप था वो था डी प्रोटोनेशन, वी प्रोटोनीकरण। तो किस प्रकार से अभिक्रिया आपस में संपन्न होती है देखिए, पहला जो स्टेप होगा, स्टेप फर्स्ट, एल्कोहलों का प्रोटोनीकरण, ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको ऑक्सोनियम आयन का निर्माण। जल का आपको कैसे बाहर निकल जाएगा, यहां से ये बॉन्ड
देखा यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव। देखे यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, जब प्लस के ऊपर माइनस आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। यहाँ से एस टू के रूप में बाहर निकल जाए, यहाँ से क्या बाहर निकल गया एस टू, जल का अणु बाहर निकल, और जल के अणु का ये बाहर निकलना है, ये क्या कह रहा है, शो कर रहा है यहाँ पे डिहाइड्रेशन। तो देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, कार्बन कैटायन बन जाएगा क्या सी एस थ्री सी एच टू, यहाँ पे क्या जाएगा पॉजिटिव, क्या बन जाएगा यहाँ से कार्बन धनायन का निर्माण हो जाएगा, कार्बन धनायन यानी कार्बन धनायन को डिनोट करते हैं सी पॉजिटिव से, यानी कि कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाए उस स्तर उस ग्रुप को क्या बोलते हैं कार्बन धनायन। देखो यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन पे क्या आ गया प्लस, तो क्या कहलाएगा, कार्बन पे प्लस है तो उसका नाम क्या होता है कार्बन धनायन कहलाता है। देखो आपने दूसरी स्टेप के अंदर पढ़ चुके हैं कार्बन धनायन का निर्माण, और यहाँ से जब कार्बन धनायन का जब ये निर्माण हुआ है तो यहाँ से जल का जो अणु है बाहर निकला है, तो ये कौन सा स्टेप शो कर रहा है यहाँ पे डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण का जो पद है उसको शो कर रहा है। तीसरी स्टेप के अंदर बात करेंगे डी प्रोटोनेशन वी प्रोटोनिकरण, तो यहाँ पे थर्ड स्टेप की बात कर रहे हैं, स्टेप थर्ड वी प्रोटोनिकरण, प्रोटोनीकरण में क्या होगा, यहाँ से जो आपका कार्बन कैटायन बना है यहाँ से प्रोटॉन के रूप में, प्रोटॉन का मतलब यहाँ पे क्या है H+ आयन के रूप में जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकल जाएगा, यानी प्रोटोनीकरण, और ये है विप्रोटोनीकरण। जो पहले स्टेप में आपने यहाँ पे देखो प्रोटोनीकरण और यहाँ पे मैंने लिखा है विप्रोटोनीकरण, इन दोनों का मतलब समझना है। प्रोटोनीकरण का मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, यदि H+ यानी हाइड्रोजन आयन यदि जुड़ता है तो स्टेप क्या कहलाता है प्रोटोनीकरण, और H+ आयन यदि रिमूव होता है बाहर निकलता है तो वो स्टेप कौन सा कहलाता है आपका डीप्रोटोनेशन विप्रोटोनीकरण कहलाता है। तो देखें यहां से H+ आयन को यहां से क्या करना है रिमूव करना है कार्बन कैटायन से, देखो यहां पे बन चुका है CH3, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं CH2, इस H को शो कर सकता हूं सिंगल बॉन्ड से, यहां पे CH2 पॉजिटिव, देखो कार्बन कैटायन है ये वाला स्टेप। अब यहां से मेरे को क्या करवाना है डीप्रोटोनेशन, फास्ट स्टेप होता है ये जो पद होता है वो कैसे होता है फास्ट स्टेप, तो यहां से तुरंत क्या होगा ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा, यहां पे क्या आएगा माइनस, यहां पे क्या आएगा प्लस, देखो माइनस और प्लस के बीच में किसका निर्माण हो जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा एल्केन, और H+ क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, तो देखो ये क्या बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बाहर निकल जाएगा H+, और H+ आयन जब ये बाहर निकला है तो H+ आयन का निकलना ही क्या कहलाता है विप्रोटोनीकरण, ये बन जाएगी आपकी एल्केन, और ये H+ आयन देखो H+ आयन कहां पे, ये आपका H+ जो आयन है यहां से आपने किस तरह से डिस्कनेक्ट किया है HSO4- के रूप में H+ HSO4- इसमें कन्वर्ट हो जाएगा H2SO, तो यानी कि ये जो निर्जलीकरण है वो तीन पदों में संपन्न होता है, एल्कोहल का प्रोटोनीकरण होता है पहले पद में, दूसरे पद में कार्बन धनायन का निर्माण जिसे निर्जलीकरण बोलते हैं, तीसरा जो होता है वो भी प्रोटोनीकरण जिसके दौरान आपने एल्कीन का निर्माण कर लिया है, तो ये है आपके निर्जलीकरण की क्रिया। अब यहां से ध्यान रखने योग्य पेपर के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार से जनरेट होता है कि निर्जलीकरण है वो एक प्रकार का एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन का मतलब होता है विलोपन, निर्जलीकरण के रूप में यहां पे विलोप किसको किया है आपने छोटे अणु के रूप में जल के अणु को बाहर निकाला है, और जल के अणु का बाहर निकलना है क्या है निर्जलीकरण, जल का अणु जब बाहर निकलता है यहाँ से विलोप हुआ है मॉलिक्यूल से, तो विलोप होने के कारण इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है निर्जलीकरण की उन्हें दूसरा नाम क्या दे दिया जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन विलोपन अभिक्रिया। तो मैं कह सकता हूँ कि निर्जलीकरण एक प्रकार की विलोपन अभिक्रिया है, और यहाँ से विलोपन अभिक्रिया में ध्यान क्या रखना है कि यदि किसी विलोपन अभिक्रिया में एक से अधिक एल्कीन बनने की संभावना है तो वह एल्कीन ज्यादा मात्रा में बनती है जिसमें द्विबंधित जो कार्बन परमाणु है उस पर अधिक मात्रा में एल्कीन सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हो, यानी डबल बॉन्डेड जो कार्बन होगा एल्कीन का उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर ज्यादा मात्रा में यदि आपके एल्कीन प्रतिस्थापी जुड़ते हैं वही एल्कीन मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट के रूप में बनता है, अर्थात ये जो प्रोसेस होता है अकॉर्डिंग टू सैक जैक रूल्स के अनुसार होता है, यानी कि सैक जैक नियम के अनुसार एल्कीन का निर्माण करना है, जो एल्कीन सैक जैक नियम के अनुसार बनती है वही मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनेगी, यानी 80% पॉसिबिलिटी किसकी होगी सैक जैक प्रोडक्ट की होगी, और 20% जो एल्कीन बनेगी वो हाफ मान प्रोडक्ट की होगी, तो यहां से आपको मोर स्टेबल प्रोडक्ट अधिक स्थाई एल्कीन के रूप में अकॉर्डिंग टू सैक जैक रूल अप्लाई करना पड़ेगा।
तो यहां से देखें मैंने यहां पे बात की यदि किसी विलोपन अभिक्रिया निर्जलीकरण अभिक्रिया के दौरान एक से अधिक एल्किन बनने की संभावना है तो वो एल्किन ज्यादा मात्रा में बनती है जिसमें द्विबंधित कार्बन परमाणु पर एल्किन जो सब्स्टिट्यूएंट है एल्किन प्रतिस्थापी है वो ज्यादा उपस्थित है। देखें यहां से कैसे आपके पास मैंने यहां से एग्जांपल दिया CH3CH यहां पे OH CH2CH3 इसका जो IUPAC नेम है देखो यहां पे CH3CHOH CH2CH3 सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे तो यहां पे चार की बन जाएगी उसके बाद यहां से नंबरिंग करेंगे तो आपका जो फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है यहां से नंबरिंग करेंगे तो यहां पे 2 पे आएगा और इधर से नंबरिंग करेंगे तो यहां पे क्या आएगा 3 पे नजदीक नियरेस्ट पोजीशन कौन सी बन रही है इधर से तो यानी कि कौन सी पोजीशन हो जाएगी इसकी 2 तो मैं इसको मेन जो वर्ड रूट बनाएंगे आप कितने नंबर की बनेगी यहां पे 4 तो ब्यूट 4 का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा ब्यूट सिंगल बॉन्डेड है तो पेन और इस OH का जो अणु लगन है वो क्या लग जाएगा और कितने नंबर पे यहां पे 2 तो इसका IUPAC जो नेम है वो हो जाएगा ब्यूटेन 2 ओल आपके पास ब्यूटेन 2 ओल है एरो के ऊपर लिख दें पेपर के अंदर कंसंट्रेट H2SO4 को टेंपरेचर यहां पे लिख दिया 433 से लेकिन 443 के मध्य केल्विन के मध्य और आपको इंटरोगेटिव मार्क लगा दे पूछेगी मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट का निर्माण कीजिए तो यहां पे देखना एक से अधिक प्रकार के एल्किन बनने की संभावना है OH जो यहां पे दिया है क्योंकि ये तो कंफर्म हो चुका है कि जब अल्कोहल है और एरो के ऊपर क्या लिख दे यहां पे कंसंट्रेट H2SO4 433 और 443 केल्विन ताप के मध्य अभिक्रिया संपन्न होती है तो अपन को ध्यान रखना है जब अल्कोहल है निर्जलीकारक दे रखा है तापमान ही डिसाइड करता है यहां पे 433 से 443 कि यहां पे प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगी एल्किन ये तो कंफर्म हो चुका है यहां से कि एल्किन बनेगी डिहाइड्रेशन होगा निर्जलीकरण होगा जल का अणु बाहर निकलेगा अब यहां से जो जल का जो अणु बाहर निकलेगा जो H जो प्लस लेगा यहां से H यहां से भी निकाल सकता है और यहां से भी तो मैंने माना कि यहां से H निकाली और यहां का OH तो देखो पहले एल्किन बनने की पॉसिबिलिटी क्या होगी यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH क्योंकि यहां का H यहां का OH दोनों H2 के ऊपर बाहर निकलेंगे दोनों के बीच में क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड फॉर्मेशन आगे वाला जो स्टेप है वो ऐसे कैसे ही रह जाएगा CH2CH3 पहली पॉसिबिलिटी मिली सेकंड आपके पास पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप OH एक बार तो यहां से निकाला है अब दूसरी H यहां से भी तो निकाल सकते हैं तो यहां से निकालते हैं तो देखो यहां का H और यहां का OH H2 बाहर निकल जाएगा क्योंकि निर्जलीकरण होगा देखो मैंने यहां से H2 निकाला तो दूसरी एल्किन ये CH3 ऐसे कैसे रह जाएगा CH3 यहां से CH ये क्या हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड दोनों के बीच में यहां पे क्या जाएगा डबल बॉन्ड क्योंकि यहां से H निकल चुकी है सिंगल बॉन्ड CH3 तो यानी कि ये आपके पास दो ऑप्शन है कि यदि किसी विलोपन अभिक्रिया में निर्जलीकरण अभिक्रिया में क्योंकि यहां से H2 तो बाहर निकलेगा यदि निर्जलीकरण या विलोपन अभिक्रिया में एक से अधिक एल्किन बनने की संभावना है तो बन रही है कि नहीं एक से अधिक एल्किन बनने की पॉसिबिलिटी जनरेट हुई थी एक से अधिक एल्किन बनने की संभावना है तो वो एल्किन ज्यादा मात्रा में बनेगी अब इन दोनों में से कौन सी ज्यादा मात्रा में बने कि जिस एल्किन में द्विबंधित कार्बन परमाणु अब एल्किन का जो डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणु है देखिए एल्किन में जो डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणु है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड कहां पे लग रहा है यहां पे तो यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणु कौन सा हो गया ये वाला और यहां पे डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणु से एल्किन में कौन सा है ये वाला एल्किन में डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणु पर ज्यादा प्रतिस्थापी समूह जुड़े हैं अब इस डबल बॉन्डेड के रेफरेंस में प्रतिस्थापी कौन है पूरा का पूरा इथाइल है इसकी संख्या क्या है यहां पे तो मैं लिख सकता हूं यहां पे एल्किल प्रतिस्थापी समूह की संख्या यहां पे कितनी है 1 और यहां पे डबल बॉन्डेड जो एल्किन है तो देखो इधर भी एल्किल के रूप में मिथाइल जुड़ रहा है और इधर भी जुड़ रहा है तो यहां पे एल्किल प्रतिस्थापियों की संख्या कितनी है एल्किल प्रतिस्थापी समूह कितने यहां पे 2
तो जिसमें एल्किल प्रतिस्थापी समूह की संख्या ज्यादा होगी वो एल्किन ज्यादा मात्रा में बनेगी, यानी कि अकॉर्डिंग टू सेट्स रूल। यानी कि यहां पे देखो दो एल्किन प्रतिस्थापी है तो ये ज्यादा मात्रा में बनने का मतलब क्या है, ये कितनी परसेंट बनेगी, 80%। और यही क्या होगा आपका मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनेगी, मेजर प्रोडक्ट यानी कि मुख्य उत्पाद, मुख्य उत्पाद के रूप में कौन सी एल्किन बनेगी जो 80% बनेगी। और ये जो एल्किन बनेगी तो ये भी ये कितनी बनेगी आपकी 20%, यानी कि माइनर प्रोडक्ट, ये किसके रूप में बनेगी माइनर प्रोडक्ट। तो आपसे नेट वगैरह आईआईटी के अंदर ऐसे एग्जांपल दे देता है, एरो के ऊपर लिख देगा, इंटरोगेटिव मार्क लगा देगा, फिर आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित अभिक्रिया के अंदर सेट नियम के अनुसार कौन सा मेजर उत्पाद बनेगा। तो आपको पहचानना है यहां से दोनों एल्किन बनने की पॉसिबिलिटी होगी, पेपर में ये भी आएगा और क्वेश्चन में ये भी मिलेगा, तो आपको मेन आंसर कौन सा लगाना पड़ेगा ये वाला। उसके लिए आपने मैंने बता दिया, तो यही रूल बोल रहा हूं कि यदि किसी निर्जलीकरण अभिक्रिया में, ये वाला आपका निर्जलीकरण था, इस निर्जलीकरण अभिक्रिया में एक से अधिक एल्किन बनने की संभावना है, बिल्कुल बढ़ रही है आपके साथ, तो वो एल्किन ज्यादा मात्रा में बनेगी जिसमें द्विबंधित कार्बन परमाणु पर कौन ज्यादा मात्रा में जुड़े हुए हो, एल्किल प्रतिस्थापी जुड़े। तो देखो यहाँ पे एक था तो यहाँ पे दो, तो मेजर प्रोडक्ट के रूप में ये बन गई है। यही जो प्रोडक्ट बनेगा वो ही क्या कहलाएगा आपका सेट जेड प्रोडक्ट कहलाएगा। तो क्लियर है यहाँ से। अब एल्कोहलों का जो निर्जलीकरण की जो अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है उसमें और भी यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट कर सकता है इस क्वेश्चन को, डीपली जाएगा तो फिर आपको ध्यान रखना है यहाँ से नोट डाल के कि एल्कोहलों के जो निर्जलीकरण की जो क्रियाविधि है उसमें जो एल्कोहलों की जो अभिक्रियाशीलता का जो क्रम होता है वो क्या होता है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, 3 डिग्री एल्कोहल, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है यहाँ पे 3 डिग्री एल्कोहल, फिर कौन होता है यहां से 2 डिग्री एल्कोहल, फिर कौन होता है यहां से 1 डिग्री एल्कोहल। ये आपको क्रम ध्यान रखना है, एल्कोहलों के निर्जलीकरण की जो अभिक्रियाशीलता का जो क्रम है ये क्या हो जाएगा आपको, एल्कोहलों के निर्जलीकरण की अभिक्रियाशीलता का क्रम निम्न है। तो कौन सा क्रम हो जाएगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा 3 डिग्री एल्कोहल, फिर कौन होगा 2 डिग्री एल्कोहल, फिर कौन होगा 1 डिग्री एल्कोहल। ये है आपका एल्कोहलों के निर्जलीकरण का क्रम। तो आपसे फिर पेपर में दे दिया आपसे, तो सबसे ज्यादा कौन होगा 3 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री और 1 डिग्री निर्जलीकरण अभिक्रिया में। यहाँ पे सेकंड स्टेप के अंदर जब आपने क्रियाविधि की बात की तो वहां पे मैंने जो दूसरा स्टेप बताया था वो बताया था कार्बधनायन का निर्माण, उसी को बोलते हैं निर्जलीकरण। अब यहां से जो कार्ब कैटायन जो बनेंगे, जो कार्ब कैटायन है वो एल्कोहलों के रूप में जो बनेंगे, तो वहां पे 3 प्रकार की कार्बधनायन बनने की संभावना होती है, 1 डिग्री कार्बधनायन भी बन सकता है, 2 डिग्री कार्बधनायन भी बन सकता है और 3 डिग्री कार्बधनायन भी बन सकता है। तो यानी कि आपने जब पढ़ा था कि पेपर में डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि कार्बधनायन के स्थायित्व का क्रम बताइए, तो कार्बधनायन के स्थायित्व का जो क्रम है, ये कार्बधनायन है इसके स्थायित्व का क्रम सबसे ज्यादा स्थायी कौन होता है, 3 डिग्री कार्बन कैटायन, फिर कौन होता है 2 डिग्री कार्बन कैटायन, और फिर कौन होता है 1 डिग्री कार्बन कैटायन। तो आपको पता है जब आपके पास जब मैकेनिज्म करवाएंगे यहां से कार्बन कैटायन बनेगा। अब कार्बन कैटायन के रूप में माना कि आपके पास 1 डिग्री कार्बन कैटायन बन रहा है रिएक्शन में, और उसी रिएक्शन के अंदर यदि आपका रीअरेंजमेंट प्रोसेस हो सकता है, पुनर्विन्यास हो सकता है, और चांस हो रहे हैं कि 1 डिग्री जो कार्बन कैटायन है वो 2 डिग्री में भी कन्वर्ट हो सकता है या 3 डिग्री में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो आपको वहां से डायरेक्ट 1 डिग्री कार्बन से प्रोडक्ट नहीं बनाना है, इसको रीअरेंजमेंट के थ्रू किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले 3 डिग्री कार्बन कैटायन, नहीं तो फिर यहां से जो क्वेश्चन यहां से भी मिलेगा आपको कि 1 डिग्री कार्बन कैटायन का भी रखेगा वो नेट आईआईटी के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछेगा, और ये वाला भी रखेगा, तो आपको आंसर कौन सा मानना है यहां पे 3 डिग्री कार्बन कैटायन। तो यहां से जो कार्बन कैटायन जो बनेगा उसको रीअरेंजमेंट के थ्रू किसमें कन्वर्ट करना है, यहाँ से 3 डिग्री कार्बन कैटायन। तो देखो मैं यहाँ से कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन लिख दे इस प्रकार से, यहाँ से लिखा मैंने CH3CH2OH, ये वाला एग्जांपल दे दिया और एरो के ऊपर उसने लिख दिया कंसंट्रेट H2SO4 433 केल्विन C 443 केल्विन।
तो ये तो कंफर्म हो चुका कि कंसंट्रेट एच प्लस 433 443 केल्विन और आपके पास क्रिया कारक के रूप में एल्कोहल है 100% है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्कीन बनेगी। अब ये जो एल्कीन बनेगी उसमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है मोस्ट स्टेबल एल्कीन के रूप में सहजजैव प्रोडक्ट बनाना है। तो अब सहजजैव प्रोडक्ट बनाने के लिए अब उनको क्या करना पड़ेगा, इसको मैकेनिज्म के थ्रू प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखे मैं इसको करके बता रहा हूँ आपको किस प्रकार से यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिएगा यहाँ से किस प्रकार से एल्कीन का निर्माण होता है। तो देखो पहले स्टेप के अंदर क्या करना है, स्टेप फर्स्ट इसका जो सॉल्यूशन चल रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, प्रोटोनीकरण करेंगे, एल्कोहलों का प्रोटोनीकरण। प्रोटोनीकरण में सबसे पहले आपको को पता है स्टेप कैसे टूट जाएगा, H2SO4 Ag plus HSO4 minus। तो यहां से देखें CH3CH2OH Ag plus आएगा, यहां से लोन पेयर डोनेट करेगा, क्या बन जाएगा ऑक्सोनियम लवण CH3CCH3CH3CH2OHH ऑक्सोनियम आयन। अब इसका क्या करवाना है आपसे, डिहाइड्रेशन स्टेप सेकंड, यानी कारक घनायन का निर्माण, कारक घनायन का निर्माण करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा CH3CCH3CH2OHH स्लो स्टेप में रिएक्शन होगी, यहां से क्या होगा बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा, यहां पे नेगेटिव यहां पे कहेगा पॉजिटिव। तो देखो यहां पे क्या बन जाएगा आपका CH3CH2+ यहां से आउटकम हो जाएगा H। जो बात चल रही थी उस स्टेप की, ये वाला स्टेप यहां से जनरेट हो जाएगा कारक घनायन का निर्माण। अब यहां से जो कारक घनायन की डिग्रियां किस प्रकार देखी जाती हैं, वे कारक घनायन किसको बोलते हैं C+, जिस कार्बन के ऊपर प्लस होता है वो क्या कहलाता है आपका कार्बन घनायन। अब ये प्लस वाला जो कार्बन है जितने कार्बन से जुड़ता है वो उतने ही डिग्री का कारक घनायन कहलाता है। माना कि ये जो कार्बन है यहां पे, देखो ये कार्बन है, एक ही कार्बन से जुड़ रहा है, इनसे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो C+ है एक कार्बन से जुड़ रहा है तो यहां पे कैसा कारक घनायन कहलाएगा, ये 1 डिग्री कार्बन कहलाता है। अब आपको पता है इसके अंदर 1 डिग्री कार्बन का टाइम क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, कम स्थाई होता है, अधिक स्थाई बनने के चांस हैं तो अपन को बनाना पड़ेगा। तो देखो यहां से क्या करना पड़ेगा आपको, पुनर्विन्यास यानी कि 1-2 मिथाइल शिफ्ट बोलते हैं इसे, यानी कि 1-1 और ये क्या है आपका 2। तो यहां से जो मिथाइल ग्रुप है इसको शिफ्ट करवाना है। देखो यहां से बॉन्ड ये वाला टूटेगा, यहां से 1-2 मिथाइल शिफ्ट भी हो सकती है, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे CH3 ना होके किसी एग्जांपल के अंदर H भी हो सकता है, जो H होगा वो किसके रूप में बाहर निकलेगा, यहाँ पे माइनस फॉर्म में यानी हाइड्राइड फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो वो 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट कहलाती है और ये कहलाती है 1-2 मिथाइल शिफ्ट। तो यहाँ से देखो ये मॉलिक्यूल यहाँ पे टूटेगा, ये माइनस यहाँ पे कहेगा प्लस, तो ये CH3 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा अपनी, तो कंपाउंड बन जाएगा आपका CH3 ये CH2 ये CH3 इसके ऊपर क्या आएगा प्लस। तो देखो अब ये जो प्लस आया है ये भी कारक घनायन, लेकिन ये जो प्लस है जिस कार्बन पे आया वो कार्बन कितने कार्बन से टच कर रहा है यहां से, 1-2-3, तो ये कैसा कारक घनायन कहलाएगा, ये 3 डिग्री कार्बन घनायन। तो देखो यहां से 1 डिग्री कारक घनायन और ये क्या है आपका 3 डिग्री कारक घनायन। और जब मैंने अभी बताया था कि कारक घनायन किस टाइप का क्रम सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, 3 डिग्री, फिर कौन होता है 2 डिग्री, फिर कौन होता है 1 डिग्री। तो 1 डिग्री की तुलना में आपका चांस किसका हो गया 3 डिग्री, यदि बन रहा है तो बनाना ही पड़ेगा। अब यहां से आपको एल्कीन बनानी, तो देखो यहां से जब कारक घनायन बना है तो एल्कीन बनाने के रूप में आपको आपको पता है कि जो H है वो डी प्रोटोनीकरण। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, स्टेप थर्ड वी प्रोटोनीकरण। अब वी प्रोटोनीकरण में आप 3 डिग्री कार्बन का अटैम रखेंगे, यहां से क्या है आपका प्लस CH2CH3 ये क्या है आपका CH। अब यहां से भी H निकाल सकते हैं आप और वी प्रोटोनीकरण के, देखो यहां पे जो कार्बन है यहां से H निकाले चाहिए, यहां से H निकाले सेम प्रोडक्ट बनेगा, तो एक तो H चाहिए आप यहां से निकाले चाहिए यहां से, और दूसरी H कहां से निकालेंगे यहां से, तो दो प्रकार की एल्कीन बनेगी कि नहीं यहां से। तो देखो ये माना कि मैंने पहली H यहां से निकाली तो डबल बॉन्ड किसके बीच में आ जाएगा, इसके बीच में,
तो ये कंपाउंड बनेगा आपका सी एच टू डबल बॉन्ड सी, ये सी एच टू, ये सी एच थ्री, आगे वाला ऐसे कैसे रह जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा सी एच थ्री। और एक बार चांस क्या बन रहा है यहाँ से कि मैंने यहाँ से ना निकाल कर यहाँ से भी तो एच प्लस निकल सकता है, तो यहाँ से निकलेगा तो देखो यहाँ से दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा सी एस थ्री, यहाँ पे सी सी एस थ्री, ऐसे कैसे दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा तो डबल बॉन्ड सी एच, यहाँ पे क्या रहेगा सी एस थ्री। एक एल्किन बन रही है ये और एक बन रही है, तो अब नीट आईआईटी के अंदर दोनों ही ऑप्शन मिलेंगे, ये वाली भी देगा और ये वाली भी देगा, तो अब स्थाई एल्किन कौन सी होगी, क्योंकि वो कहेगा कि नियम के अनुसार यदि प्रोडक्ट जाहिर करना है तो तुमको कौन सा प्रोडक्ट बनाना। देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन ढूंढ लो, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ पे है, अब इस पर कितने एल्किन जुड़ रहे हैं, देखो एक तो ये हो गया, दूसरा ये, तो दो एल्किन, टू एल्किन समूह, और यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड कार्बन है ये वाला, अब देखो एक एल्किन ये रहा, दूसरा ये रहा, यहाँ पे क्या है थ्री एल्किन समूह। अब जिसमें डबल बॉन्ड, जिस द्विबंधित कार्बन पर एल्किन समूह की संख्या ज्यादा होगी वही क्या रहेगा यहाँ पे मोस्ट स्टेबल, यानी कि 80% ये बनेगी और 20% ये बनेगी। तो मेन आंसर कौन सा हो जाएगा आपका सेट जेड नियम के अनुसार ये वाला। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही काफी है।